नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं दिलशाद गार्डन के मंडल अध्यक्ष विकास हांडा जी। विकास जी, नई टीम आपकी बन गई है, नगर निगम चुनाव आने को हैं 2022 में। सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नई टीम है वो कैसी है और कौन कौन उसमें शामिल है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस समय मेरे को विश किया इसके लिए। जो नई टीम बनी है वो बिल्कुल जो पार्टी के प्रोटोकॉल्स है उसके आधार पे बनी है। जैसे कि 13 लोगों की टीम है। 13 लोगों के अंदर 4 महिलाएं हैं, जो पार्टी ने पहले ही कह रखा है कि 33% हम लोग रिजर्व रखते हैं वुमेंस के लिए। और उसके अलावा जो बाकी की टीम है लगभग उसमें नए चेहरे हैं, और पार्टी सबको इस समय प्रमोट कर रही है कि उसके अंदर जाति विशेष प्लस जो आपका भौगोलिक वो समीकरण है वो सब चीज़ें ध्यान में रख के मंडल को बनाया गया, ताकि जो है कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश आए। कितना बदलाव हुआ है इस बार टीम में? किस तरीके के नए नए नाम जो आए हैं उनके बारे में अगर पता चल पाए? इस बार आप ये देखिए कि मुश्किल से 4-1 लोग जो होंगे जो पुराना रिपीट हुए हैं, अदरवाइज सारे नए उसमें टीम है पूरी। जी, नई टीम है। सर, नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं तो इस समय पे सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, लोग धरने पे भी बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? धरने पे बैठे हैं और कर्मचारियों को जो सैलरी नहीं मिल रही है उससे सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ के लिए। मगर उसके पीछे जो विशेष कारण है वो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार प्रॉपर टाइम पे फंड नहीं रिलीज़ कर रही है, उस वजह से सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। त्यौहार सिर पे है और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, तो बहुत ज़्यादा हमें दुख हो रहा है इस चीज़ को लेकर। उनका कहना है कि आप तो मोस्टली दिल्ली में सीटों पर अभी हैं, बीजेपी सीट्स पर आप ही हैं अगर एमसीडी की बात करें तो, वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं मैम, आप समझे नहीं। देखिए, आपको पता है कि जो एक सिस्टम है वो दिल्ली गवर्नमेंट ही पैसा रिलीज़ करती है एमसीडीज़ के लिए, तो जितनी भी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जब उसके पास प्रॉपर फंड नहीं आएगा तो वो सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो सब सारा का सारी जड़ जो है वो दिल्ली सरकार के पास है। अगर वो टाइमली फंड्स रिलीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास टाइमली सबके पास सैलरी जाएगी। इसलिए मेरा दिल्ली सरकार से एक ये अनुरोध है कि कृपया करके जो है इनको, गरीब आदमियों को ध्यान रखिए। वो हर तरीके का इसके अंदर एम्प्लॉई है, 4th ग्रेड से लेके अपर ग्रेड तक, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे कोई अपने अब सेलिब्रेट कर पाएगा किसी भी फेस्टिवल को? ऑलरेडी कोरोना काल के अंदर सब लोग त्रस्त हुए हैं इस चीज़ को लेकर। जी, विकास जी, बात करें पेंशन की, पेंशन भी नहीं है निगम में। मैम सेम वही प्रॉब्लम है, पेंशन भी हर काम ये पैसे से ही होना है। जब फंड्स ही नहीं आएंगे तो फिर कैसे आगे ना पेंशन रिलीज हो सकती है ना टाइमली पेमेंट्स हो सकती है। हमारे विधायक जी की बात करें तो विधायक से कभी मिलना होता है आपका? विधायक जी के तो हाल इस समय ये हुआ है कि विधायक जी जो उनके पीए साहब हैं वो भी फ़ोन नहीं उठाते। मतलब हम लोग, मैं क्योंकि मंडल अध्यक्ष तो हुई हूँ यहाँ से, और मैं सी ब्लॉक दिलशाद गार्डन का RW अध्यक्ष भी हूँ, तो हम लोग अध्यक्ष, मैं RW के अध्यक्ष के नाते भी उनको कॉल्स करता रहता हूँ, बट वो कभी रिवर्ट नहीं करते, कोई ना उनका पीए फ़ोन पिक करते हैं। बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम लोग। मतलब ऐसा विधायक हम लोगों ने चुना है जो क्षेत्र से नदारित रहते हैं। क्यों, कार्यालय तो उनका बना हुआ है, वो क्यों नहीं मिलते? बट कार्यालय बनने से नहीं ना जी, हमने तो यहाँ का होने से, यहाँ पे लोगों ने उनको चुना, बट यहाँ पे नहीं होते वो अपनी पब्लिक के साथ। आप मेरे होते हैं सर? अब वो तो वहाँ पे लुटियन जोन में बैठे रहते हैं हमेशा, तो क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया है तो वो यहाँ की जनता को पूछ ही नहीं रहे। आप मेरे अलावा आप किसी भी और ब्लॉक में चलिए, आप अभी सी ब्लॉक में मेरे साथ हैं, आप किसी भी ब्लॉक में चलिए, आपको मैं पूछा दूंगा इस चीज़ को कि विधायक साहब यहाँ पर नदारद हैं बिल्कुल, उनके मतलब गुमशुदा तलाश के लगने वाले पोस्टर उनके। जी, तो ऐसे में अगर केजरीवाल जी की बात करें, वो तो घर के बड़े बेटे हैं ऐसा कहते हैं वो, तो इस तरह की कोई समस्या आप उनके वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाते हैं? मैम हम सब जोरों शोरों से लगे हुए हैं, इवन हम कोविड को लेके भी इतने ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे हमारे आसपास 3 अस्पताल हैं, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और GTB हॉस्पिटल है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल है स्वामी दयानंद, जो कि MCD के पास है। अभी क्या है कि जो 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं आपके GTB हॉस्पिटल और राजीव गांधी, दोनों कोविड में कन्वर्ट कर रखे हैं, जबकि वहाँ पर मात्र 100 से सवा 100 बेड एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्यूपाइड होंगे।
अब 100-100 बेड के चक्कर में दो इतने बड़े अस्पताल ऑक्यूपाई कर रखे हैं कोविड के लिए, और सारा का सारा लोड एमसीडी के हॉस्पिटल में आया हुआ है, जबकि आपको पता है वो छोटा हॉस्पिटल है और वहाँ पे इतने संसाधन नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मारो मार हो रही है। सुबह 6 बजे से लोग कोविड टेस्ट के लिए वहाँ पर लगते हैं, तो कहीं जाके 1 बजे या 1:30 बजे जाके उनका नंबर आता है एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आप देखिए जनता किस हिसाब से त्रस्त हुई हुई है इस चीज़ को लेकर, आप कभी जाके देखिए वहाँ पर। मैं आज सुबह हाल ही में देख के आया हूँ और मतलब देख के आँखों में पानी भर आया कि इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हुई हुई है मरीजों की, और गवर्नमेंट को कोई वो मतलब नहीं है, उन्हें सेंटर से पैसा मिल रहा है कोविड से रिलेटेड, उन्होंने दोनों हॉस्पिटल कोविड के लिए छोड़ दिए। क्या सबूत है आपके पास कि वो पैसा तो उन्हें मिल रहा है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? मैम आप चलिए ना, वो कहते हैं वो हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, आप चलिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे बाहर डिस्प्ले हुआ हुआ है कितने बेड्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं और कितने बेड्स एम्प्टी हैं। आप देखिए मुश्किल से 100 से 125 एक हॉस्पिटल के अंदर बेड सिर्फ ऑक्यूपाइड होगा, दोनों हॉस्पिटल्स की यही पोजीशन है, और बेचारे जो जिनको ज़रूरत है और दूसरे इलाज कराने के लिए वो नहीं जा पा रहे यहाँ पे। अगर ये एक आधा हो सकता है इन्होंने जीटीबी में चाहे गायनी या एक आधा कोई डिपार्टमेंट खोल रखा हो, जब आपको पता लग जाएगा आप बिकॉज ऑफ यू आर ऑल्सो अ फीमेल, तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे आप कोशिश करेंगे मैं यहाँ पे ना जाऊँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कोविड के केसेस सारे चल रहे हैं, तो मैं किसी और हॉस्पिटल के अंदर वो जाऊँ। अब ठीक है हर कोई पैसा नहीं बियर कर सकता, कोरोना काल के अंदर अच्छे अच्छे खासे बंदे जो है ढीले पड़ चुके हैं, इसमें पैसा नहीं है लोगों के पास, वो बेचारे फिर जनरल हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जनरल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे कि इतना लोड ले पाए कि दोनों हॉस्पिटल्स के सारे पेशेंट वहाँ पे आके इलाज करवाएं। उस चक्कर में आप देखिए महिलाएं बेचारी बाहर बैठी हुई हैं और मतलब देख के आँखों में पानी आता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अगर आप बधाई देंगे नई टीम को तो किनको बधाइयाँ देंगे? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और एज वेल एज जो मेरी टीम के जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं मैं सबको बधाई देता हूँ, देना चाहता हूँ जी। सब लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, अब तक भी दिलशाद आनंद मंडल नाम रोशन करता है। पहले हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जो श्री रामपाल जी ने भी मंडल बहुत अच्छे से चलाया, और उनके आशीर्वाद से अब हम भी और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे जी। नई लिस्ट आपकी आ गई है, किस किस को क्या दायित्व दिए गए हैं इस बार? इसमें जी आपके जो मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ महामंत्री जो हैं वो हमारी महिला है वो सुषमा जी, सुषमा वाधवा जी नाम है उनका, और एक महामंत्री हमारे सुभाष कटारिया जी। उसके अलावा चार हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम है एक हमारे हर्ष बिंजोला जी और रघुवीर सिंह जी, देवेंद्र शर्मा जी और संजय कौशिक जी, ये हमारे चार उपाध्यक्ष हैं। और उसके अलावा जो हमारे मंत्री हैं वो हैं यशपाल सैनी जी, सतीश बंसल जी, मनोज पंचाल जी, रीना शर्मा जी, प्रेमलता जी। और उसके अलावा जो हमारे कार्यालय मंत्री हैं वो हमारे हैं श्री कौशिक जी। और उसके अलावा जो मोर्चे हैं वो मोर्चे तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी लिस्ट अभी जानी है, हमने प्रदेश भेजनी है, वो लगभग फाइनल होने वाली है, बट जो मेन टीम है वो ये है। उसके अंदर हमारे कोषाध्यक्ष जी जो हैं वो दिनेश अरोड़ा जी हैं जी। तो यानी कि बात करें नगर निगम में 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए तो आपने कमर कस ली है, तो क्या कमर खिलने वाला है इस बार? बिल्कुल जी बिल्कुल, कमर बिल्कुल कस ली है हम लोगों ने, अभी से ही हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी करेंगे, जन जन से जाके मिलेंगे, जो भी हमारी एमसीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। इवन हमने मंडल में भी ये बात सबको बोल दी है, अभी जो हमारी अभी तक सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है इस चीज़ को लेके कि भाई सब लोग अपने अपने एरिया से पता कीजिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई भी अगर ऐसी कोई कूड़े को लेके कोई नाले को लेके जो इंटरनल एमसीडी के आता है, अदरवाइज तो पीडब्ल्यूडी के नालों से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो आपने देखा है कि त्रस्त हैं बिल्कुल, मेरे ब्लॉक के बाहर ही निकलोगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे जिस हिसाब से नाला हुआ हुआ है वो। और एमसीडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों ने सबको बोल दिया अपने अपने एरिया में पता कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा।